आयोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जयपुर दौरा, एयरपोर्ट पर महामहिम का भव्य स्वागत। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कानून मंत्री और सचिवों का सम्मेलन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा न्याय से भरोसा बढ़ता है। अलीगढ़ के इगलास में स्कूल की छत से गिरने से हादसा, 5 बच्चे घायल। दीपावली से पहले सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, स्टैंडर्ड सोना 550 तो चांदी 1800 रुपए तक हुई सस्ती। दिवाली से पहले अमूल ने दिया जोरदार झटका, दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकालेगी भाजपा, मध्य नवंबर से राज्य भर में निकालेगी रैली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान में पीसीसी डेलीगेट्स की सूची जारी, 17 अक्टूबर को होगा मतदान। राजस्व दिवस के मौके पर सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शिरकत की। प्रदेश सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, बोनस के हुए आदेश, करीब 6 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। प्रदेश सरकार 15 नवंबर बाद बांटेगी स्मार्टफोन, हर ग्राम पंचायत पर कैंप लगाकर किया जाएगा वितरण। जयपुर में नौकर और किराएदार का जल्द करवाना होगा सत्यापन, पुलिस घर घर जाकर नौकर और किराएदारों की करेगी पड़ताल। कोटा में एक और छात्र ने किया सुसाइड, कोलकाता निवासी स्टूडेंट ने 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर दी जान। जयपुर पुलिस की सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसएमएस स्टेडियम से 37 सटोरिये गिरफ्तार। जयपुर के विजयपुरा गांव में चला प्रशासन का पीला पंजा, अवैध कॉलोनी में हुए निर्माण को किया ध्वस्त। तरुण सागर महाराज पर अभद्र टिप्पणी पर जैन समाज नाराज, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। सरदार शहर में स्कूल वैन हुई हादसे का शिकार, दूसरे वाहन ने टक्कर मारी, 6 बच्चे घायल। चित्तौड़गढ़ के बेगू में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, 11 KV विद्युत लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 डंपर और 1 ट्रेलर जब्त। डूंगरपुर में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी के इंडोली में जुआ खेलते 4 आरोपी गिरफ्तार, 22,780 रुपए बरामद। टोंक के उनियारा थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। मेटा सिटी में आबकारी विभाग की अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई, 9 कार्टन देशी शराब जब्त। जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 80 बाइक जब्त। कोटा में चंबल नदी में मिला युवक का शव, मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच जारी। कश्मीर में वापस लौटा बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर, अपनी अगली फिल्म चाहिए थोड़ा प्यार का शूट करने पहुंचे। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले में राजस्थानी पगड़ी के विविध रंग देखने को मिले, प्रतिभागियों ने अनेक प्रकार के साफे बांधे। कोडनेम तिरंगा फिल्म की खराब शुरुआत, पहले दिन 15 लाख की कमाई हुई। भारत फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से बाहर, भारतीय टीम मोरक्को से 3-0 से हारी। प्रायोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।